एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 7 ए कंपनी मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स टू मॉडल्स ऑफ लैंप्स L1 एंड L2 यूज द फॉलोइंग टेबल टू डिटरमाइन हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप ऑफ लैंप्स शुड बी प्रोड्यूस टू अचीव ए मैक्सिमम प्रॉफिट। एक टेबल आपको गिवन है जिसमें से आपने वैल्यू फाइंड करनी है मैक्सिमम प्रॉफिट की। अब यहाँ पे जो टेबल है अब उसको हम रीड करते हैं। दो मॉडल के लैंप हैं L1 एंड L2 और यहाँ पे वो कह रहा है कि मॉडल L1 L2 मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, ये जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम जो आपके पास है वो क्या है। मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर लैंप L1 के लिए 2 आवर्स है, L2 के लिए 1 आवर है और जो टाइम अवेलेबल है वो 40 आवर्स है। फिनिशिंग टाइम पर लैंप L1 के लिए 1 आवर, L2 के लिए 1 आवर और L3 मैक्सिमम जो टाइम अवेलेबल है वो 32 आवर्स है। अब प्रॉफिट पर लैंप, अब जो ये लैंप है L1 जो प्रॉफिट देता है वो आपको 70 रुपीज़ देता है, L2 आपको 50 रुपीज़ देता है। अब यहाँ पर इसको समझना है कि आया यहाँ पे ये आपके पास एक्स क्या है और वाई क्या है, आपके पास वेरिएबल क्या है, चेंज क्या चीज़ हो रही है। चेंज आपके पास L1 की वैल्यू चेंज हो रही है 2, 1, इट मींस कि आपके पास एक्स जो है वो L1 है, वाई आपके पास L2 है और इसकी आपने इस तरह बनानी है इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। क्योंकि मैक्सिमम की वो बात कर रहा है और ये इनइक्वालिटीज़ हैं तो यहाँ पर जब स्ट्रेट लाइन के लिए कहेंगे हम तो इक्वल टू कहेंगे और वैसे आप इसको इनइक्वालिटी के तौर पे जब शो करेंगे तो फिर आप इससे लेस देन इक्वल टू 40। बिल्कुल सेम इसी तरह एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 32, यानी मैक्सिमम टाइम का मतलब ये है कि इससे कम वक्त में बन सकते हैं, इससे ज़्यादा वक्त नहीं ले सकते, तो हम लेस देन आर इक्वल टू कहेंगे। प्रॉफिट पर लैंप का क्या मतलब है, ये हमारे पास वो इक्वेशन है जो आपने फाइंड, जिसको आप जेड भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं, f(x) भी कहते हैं, तो ये f(x) है। f(x)y इज़ इक्वल टू 70x प्लस 50y। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो मेथड है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप इस टेबल से इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशन से फिर आपने उसकी वैल्यूज़ यानी पॉइंट्स निकालेंगे थ्रू इंटरसेप्ट फॉर्म्स। आपने जब उनके पॉइंट निकाले, नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि आप उन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने के बाद आपने उसे वो जो उसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, उसको फिर आपने इस इक्वेशन में पुट करना है और चेक करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आता है, यानी उन पॉइंट्स से जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। चलिए अब इसको करते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। हमने वहाँ पे वैल्यूज ली थी 70x f(x)y इज इक्वल टू 70x प्लस 50y। ये हमारे पास फंक्शन है, यानी इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ये प्रॉफिट आपके पास इक्वेशन है, जो इनइक्वालिटीज़ बन गई वो हमारे पास थ्रू टेबल हमने ली 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 40, हमने इसको इनइक्वालिटी 1 कहा, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 32, इसको इनइक्वालिटी 2 कहा। अब चूंकि ये बात प्रॉफिट की हो रही है तो प्रॉफिट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, या तो वो इक्वल 0 हो सकता है, 0 से ज़्यादा हो सकता है। तो ये x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब हम इनइक्वालिटीज़ को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस में चेंज करेंगे और फिर इंटरसेप्ट फॉर्म से हम इनके पॉइंट्स लेंगे।
तो 2x + y = 40, और फिर हमने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया, दोनों साइड्स पे 40 को डिवाइड किया, x/20 + y/40 = 1। वेरी इजी। अब यहाँ से आप पॉइंट ले सकते हैं 20 and 0, 0 and 40, यानी y आपके पास 40 है। नेक्स्ट आप इनइक्वालिटी को स्ट्रेट लाइन में बदलें, x + y = 32, आप डिवाइड किया हमने 32, x/32 + y/32 = 1, 32 and 0, 0 and 32। बाय पुटिंग टेस्ट पॉइंट 0, 0 in 1 and 2, अब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में आपने टेस्ट, सिंपल टेस्ट पॉइंट आपके पास जो 0, 0 है उसको आपने लगा के चेक कर रहे हैं, ये जो आपके पास हैं ये ट्रू हैं और फॉल्स। तो आपने देखा कि 0 < 40 = 2 एंड 0 > 32 = 2। तो ये दोनों इनइक्वालिटीज़ जो हैं आपके पास ट्रू हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये जो गिवन हमारे पॉइंट्स थे, फर्स्ट इनइक्वालिटी का पॉइंट हमने जो निकाले, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाई, 2x + y = 40, y आपके पास 40 है, x 0, 0 40, और इसी का सेकंड पॉइंट है आपके पास 20 and 0। चूँकि ये आपके पास ग्राफ है, वैल्यूज़ आपके पास बहुत हाई थी, 40 से ऊपर थी, तो हमने इसको 20-20 के उस पर रखा, यानी 10-10 के, 10, 20, 30, 40 और 50, इसी तरह 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह हमने इसको ग्राफ को प्लाट किया है। हमने ये स्ट्रेट लाइन लगा दी। सेकंड हमारे पास है x + y = 32, इसके लिए हमारे पास पॉइंट है y का 0, 32 and 32, 0। हमने इनको भी जॉइन किया, इनको मिलाया आपस में, हमारे पास एक बाउंडेड रीजन आ गया, और दोनों चूँकि ट्रू हैं, दोनों इनइक्वालिटीज़ ट्रू हैं, तो इट मीन्स कि इनका जो फिजिबल रीजन है वो आपके पास ये वाला है, इसको आपने कलर कर लिया। अब हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है इस जगह पे, उसको फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। बाय सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस वी गॉट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको मालूम करने के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हमने कहा 3 and 4, मल्टीप्लाइंग 2 by 4, इसके साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई किया ताकि दोनों के कॉन्स्टेंट्स इक्वल हो जाएं और आप इजीली इसको कैंसिल कर सकें और फिर y की वैल्यू आ जाए by 4 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 3। हमने इन दोनों को इक्वल किया, यहाँ से आपके पास आया 2x + 2y = 64। अब इसको माइनस किया इसके साथ, तो 2x + y = 40 माइनस किया तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाता है, और यहाँ से आपके पास 2 - 1 सिर्फ y आएगा, 64 - 40 हमारे पास 24 आया। तो ये वैल्यू जो है आपने इस वैल्यू को पुट किया इस इक्वेशन नंबर 4 में, x + 24 = 32। 32 और 24 को दूसरी साइड पे ले गए, माइनस किया तो हमारे पास 8 आया। अब ये पॉइंट हमारे पास आए 8 and 24। 8 and 24 हमारे पास वो पॉइंट है जो कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये पॉइंट हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ जाते हैं इसमें, 0, 32, 8 and 24, 20 and 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4। ये 4 पॉइंट्स अब हम लगाएंगे फंक्शन f(x, y) = 70x + 50y। अब हम इसको उसमें प्लाट करके उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट। हमने जो पॉइंट्स इस ग्राफ से ऑब्टेन किए थे वो ये थे 0, 32। अब हमने इसको इस फंक्शन में लगाना है, y आपके पास 32 है, x 0, तो आपने x 0 y 32 किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आया 1600। सेकंड है आपके पास 0, 0, तो उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर 0 आया, 20 एंड 0
एक्स 20 है, वाई 0 है, आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो 1400 आंसर आया। आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था 8 and 24, इसको आपने फंक्शन में लगाया और सिंप्लीफाई किया तो 1760 है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट जो है आपके पास 1760 है। व्हेन 8 मॉडल L1 एंड 24 मॉडल L2 लैंप्स आर प्रोड्यूस,